सबको वो दिल नवाज है तू, नियाजमंद है सब और बेनियाज है तू, जमाने भर के बनाता है सारे बिगड़े काम, करीम सारे जमाने का कारसाज है तू। क्या रिएक्शन आ रहे थे, आप कितना एंजॉय कर रही थी वाकई में? बिल्कुल, एक तो ये गाना, जिसका गाना आपने चुना है, कंपैरिजन तो होगा ही जरूर, बट आई हैव टू से के यू वर फैंटास्टिक, यू वर फैंटास्टिक।
वो ताली बिल्कुल दिल से निकली, एक्सप्रेशंस बिल्कुल दिल से निकले एंड इट वाज अमेजिंग. जस्ट ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट. मैं सोच नहीं सकता था कि आप ऐसा करते हो. I think I was very lucky कि नुसरत साहब की जो लास्ट एल्बम थी वो कच्चे धागे थी, जो मेरी फिल्म थी. And I remember नुसरत साहब पाकिस्तान से आए थे, होटल सन एंड सैंड में रुके थे, महीना भर रुके थे म्यूजिक बनाने के लिए. बख्शी साहब भी नहीं रहे, one of my favorites, was very close to him. नुसरत साहब का वेट बहुत ज़्यादा था, तो नुसरत साहब बख्शी साहब को कहते थे कि आप आइए हम गाना बनाएंगे, बिकॉज वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, वो गाड़ी में उस वक्त फिट नहीं आते थे. बख्शी साहब को लगा कि यार ये वहाँ से आया है, इसका बहुत बड़ा ईगो है, तो ये मेरे यहाँ क्यों नहीं आ रहा. बख्शी साहब गाना लिख के भेजते थे तो नुसरत साहब उसे रिजेक्ट कर देते थे कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा. नुसरत साहब ट्यून भेजते थे, बख्शी साहब बोलते थे ये बकवास है. दिस वेंट ऑन फॉर 15-20 डेज. एक दिन फिर नुसरत साहब ने कहा कि यार मुझे उठाओ और लेके चलो बख्शी साहब के यहाँ. तो बख्शी साहब फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, उनके साथ 7-8 लोग होते थे जो नुसरत साहब को उठा के ले जाते थे. बड़ी गाड़ी मंगाई, उन बेचारों को लिटा के ले गए और जब बख्शी साहब के यहाँ पहुंचे, लिफ्ट में नुसरत साहब फिट नहीं आते थे, बख्शी साहब की लिफ्ट बहुत छोटी थी. तो जब 8 आदमी वो फर्स्ट फ्लोर तक उठा के ले जा रहे थे ना, बख्शी साहब ने बाहर आके देखा, रो पड़े. मतलब हाथ जोड़ लिए कि मेरा कितना बकवास ईगो था, मैं कुछ और सोच रहा था, आप चलिए मैं आपके साथ वहीं रहूंगा आके. और उन्होंने ये पूरा एल्बम बनाया. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग. और तुमने कमाल कर दिया. थैंक यू सर. सीरियसली तुमने कमाल कर दिया. सर मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ. आइए. मैं भी आपको गले लगाना चाहता हूँ. सनी आउटस्टैंडिंग. और मैं इंतजार ही कर रहा था कि कब ट्रिपल बाहुबली हो जो आज हो रहा है. सर लेकिन मैं क्या बोल रही थी, हम ट्रिपल बाहुबली तो हमेशा ही करते हैं. हाँ. है ना, लेकिन मुझे लगता है आज हमें ट्रिपल ताना जी करना चाहिए. ट्रिपल ताना जी करते हैं. मुझसे मोहब्बत का इजहार करता
पुना बहुत ही मधुर आवाज है तुम्हारी, तुम्हारे सुर इतने पक्के लगते हैं, तुम पर सरस्वती माता की मेहरबानी है। Such a complete singer that you're an inspiration for all the reality show singers that गाओ तो ऐसे गाओ। Wild card से आई हो लेकिन Indian Idol की शान हो, बहुत अच्छा। शानुदा आपको पता है ओंकना को बहुत सुनने वालों ने एक नाम दिया है, छोटी अलका कहते हैं उनको, अलका जी ने खुद बोला है उनको। अरे क्या बात है, मुझे लगता है फ्यूचर अलका याग्निक अगर कोई है तो ओंकना। चलिए क्या है कि इतना सॉलिड फील है तुम्हारे आवाज में, आवाज तो सुंदर है ही है, वो तो टोनल क्वालिटी बहुत ही अच्छा है कि एकदम प्लेबैक जैसा। तुम आगे चले कहाँ तक जाओगे, किधर जाओगे पता नहीं, क्या बात है। हाँ, मेरा एक दिली ख्वाहिश है कि मैं बाद में शायद तुमको पकड़ ना पाऊँ, तो आज मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ दो लाइन गा लूँ। जरूर सर। क्या बात है, हो जाए सर, अरे हो जाए सर। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.